मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हेलो एंड वेलकम टू द 25th एपिसोड ऑफ मिशन एडमिशन। आई एम आदित्य यादव एंड वाचिंग द सोशल इंडियन। इन दिस वीडियो वी विल बी गिविंग यू अ सुपर मोटिवेशन आफ्टर एग्जाम कि भाई अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई हमारी तरफ से। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो उम्मीदें मत खोइए, बिकॉज द रिजल्ट विल ऑल्सो बी अनएक्सपेक्टेड एज वॉज द एग्जाम। क्योंकि जब आपका एग्जाम इतना अनएक्सपेक्टेड जा सकता है, जब आपको लग सकता है कि भाई एग्जाम इतना हार्ड आ गया था, इतना टफ आ गया था, अलग सा आ गया था, पैटर्न बिल्कुल बदल गया था, तो क्या कट ऑफ के पैटर्न नहीं बदल सकते क्या? चिंता की बात ही कहां है। अगर आपके लिए एग्जाम हार्ड है तो इट इज टफ फॉर ऑल। पेपर तो एक ही है, लोग तो देने वाले वही हैं, तो अगर आपके लिए पेपर टफ हो सकता है तो औरों के लिए भी पेपर टफ हो सकता है। और अगर सबके लिए पेपर टफ होगा तो इवेंचुअली द कट ऑफ विल गो डाउन। तो इसमें टेंशन वाली बात ही कहां से आ रही है? जब मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे बहुत निराशा होती है, जब लोग कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। कई लोग ये भी कमेंट तक कर रहे हैं कि सर अब तो सुसाइड करने का मन कर रहा है। क्या आप पागल हो चुके हो या हम खत्म हो चुके हैं? हमने आपसे जब वादा किया था कि एग्जाम से पहले हम आपके साथ, एग्जाम के टाइम पे हम आपके साथ और आगे भी कोशिश करेंगे साथ रहने की, तो आप ये साथ क्यों छोड़ना चाहते हैं? सबसे पहली बात ये कि कोई भी एग्जाम आपकी कैपेबिलिटी को डिसाइड नहीं कर सकता। और इससे मुझे गली बॉय का वो डायलॉग याद आता है कि कोई और आके मुझे बताएगा कि मेरी औकात क्या है। तो आप क्या भूल गए हैं कि आपकी औकात क्या है, आपकी काबिलियत क्या है? क्या आप दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर दाखिला प्राप्त नहीं कर पाएंगे, एडमिशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो क्या आपके लिए दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या दुनिया में मौके खत्म हो जाएंगे? कई बार ऐसा होता है कि डेस्टिनी में आपके लिए कुछ अच्छा लिखा होता है, शायद इससे भी बेहतर आपके लिए कुछ हो। अगर इससे बेहतर आपके पास कुछ नहीं है, इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं है, अगर भगवान ने कुछ सोचा ही नहीं होता तो शायद आपका ये एग्जाम ही निकल जाता। और मान लीजिए अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाता है और आप फिर कोपअप ही नहीं कर पाते अगले 3 साल और कंफ्यूज ही रह जाते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर क्या फायदा है ऐसे एडमिशन का? अगर आप एडमिशन लेके अच्छा करते हैं तो वेल एंड गुड, सब आपकी तारीफ करेंगे, भाई शुरू से अच्छा चल रहा है आपका, आखिरी तक अच्छा जाए। लेकिन भगवान ना करें आप एडमिशन ले लेते हैं और आपकी यहाँ पर बैक आती है, यहाँ पर आप देखते हैं स्ट्रगल महसूस करते हैं, उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद आप सोचते हैं और ड्रॉप करते हैं, तो उससे बेहतर तो यही है कि आपने, आपका एडमिशन नहीं हुआ, क्या पता आपकी डेस्टिनी में वो लिखा हो। चलिए अभी हम डेस्टिनी और लक की भी बात नहीं करते हैं, अब हम बात करते हैं हार्डवर्क की और सेटिस्फेक्शन। क्या आप अपने एग्जाम की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है? एग्जाम की परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपने जो मेहनत की थी, जो हार्डवर्क किया था, उस लेवल का आपको रिजल्ट मिला है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ यार मैंने इतनी मेहनत की थी, इतने तो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो जी हाँ आप इस एग्जाम में पास हैं। और अगर आप खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं है तो हाँ मैं मानता हूँ कि एक तरह पर आपकी हार हुई है, हार होती भी है। और अगर आपकी हार होती है तो उस लाइन को जरूर याद करिएगा हरिवंश राय बच्चन जी की, जब नन्नी चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको कोशिशें नहीं छोड़नी है, अपने हौसले नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि पंखों का तो नाम है हौसलों से उड़ान होती है। उन चीजों को याद करिए, मैं सारी बातें अधूरी बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे मेरा कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्हें पूरा आप करें। आज जो आपका जीवन है, अगर वो फिर भी आपको लग रहा है कि अधूरा है, तो उसे पूरा आप करें, अपनी मेहनत से करें, अपने बल से करें। हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं। मार्केट में गारंटी नहीं मिलती है इस चीज की, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में भी आपके साथ रहें। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये एग्जाम नहीं तो कोई और सही। और अगर आपका एग्जाम अच्छा निकल रहा है, आपको डर है कि भाई आपके मार्क्स कम आएंगे, कट ऑफ कम आएगी, तो उन लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप एंट्रेंस की बात करते हैं तो एक ही चीज मैटर करती है, वो करती है एडमिशन। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि टॉप करने से आपको कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला है नहीं। अगर आपकी पहली रैंक भी आती है कट ऑफ में तो भी मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। आप भी उन्हीं लोगों के साथ पढ़ रहे होंगे जो आखिरी में 2658 भी रैंक वाला बच्चा होगा, वो भी आपके साथ ही पढ़ रहा होगा। तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मार्क्स से, बस आपको अपने लॉ स्कूल की प्रेफरेंस मिल जाए, इससे अच्छा हमारे लिए हो क्या सकता है। एंट्रेंस आपका अच्छा गया है, इसी को होप में रखिए, रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि एग्जाम में भी कुछ भी हुआ है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ हो सकती हैं और हो सकता है कि आपका एडमिशन कम मार्क्स पर भी हो जाए। कट ऑफ जल्दी डिक्लेयर करेंगे आगे वाली एनालिसिस वाली वीडियो में, जब तक के लिए जुड़े रहिए। भारत माता की जय, जय हिंद।